नमस्कार, मैं योगेश राणा। बीजेपी को लेकर बार बार एक सवाल उभर कर सामने आता है और वो सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के बाद नंबर दो कौन। और जब भी यह सवाल उभरता है तब तब योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के नाम भी उभरते हैं। अभी दो कारणों से यह सवाल एक बार फिर उभरा है। पहला कारण, कर्नाटक में बीजेपी की हार और उसी तारीख को उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली जबरदस्त जीत। और दूसरा कारण, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अमित शाह के करीबी सुनील बंसल की भूमिका तय की है। जब सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में महामंत्री थे तो उन्हें उत्तर प्रदेश में एक समानांतर शक्ति केंद्र के रूप में याद किया जाता था, जाना जाता था, माना जाता था। यह आम धारणा थी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और सुनील बंसल दो ध्रुव है, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा टकराव होता नहीं है। अब जब उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में बीजेपी को कोई राजनीतिक चिंता दिखती नहीं है, ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश की दूसरे राज्यों से अगर तुलना करें तो उत्तर प्रदेश में कम चिंता दिखती है, कई सारे प्रदेशों में से ज़्यादा चिंता दिख रही है। इसके बाद भी सुनील बंसल को क्यों उत्तर प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि उनके पास तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है जिनके वो प्रभारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी ने 30 मई से महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। ये अभियान एक महीने तक चलने वाला है और उत्तर प्रदेश में इसका काम सुनील बंसल देखेंगे। आइए कुछ सवालों के आसपास जाने से पहले कुछ तथ्य समझते हैं। आप कुछ राज्यों के नामों पर गौर कीजिए, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। आप इन राज्यों को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल। इन राज्यों में बीजेपी को 2019 का जो चुनाव परिणाम है पिछले लोकसभा का, उसको दोहराना चुनौती बना हुआ है। और दूसरे नंबर पर आते हैं बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना। इनको जीतना बीजेपी का सबसे बड़ा सपना है और इन तीनों ही राज्यों के प्रभारी सुनील बंसल बनाए गए। उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने कामयाबी दिखाई थी, हासिल की थी, उसी उपलब्धि को देखते हुए ये प्रदेश इनको सौंपे गए हैं तरक्की के साथ। पिछले अगस्त माह में उत्तर प्रदेश में कमाल करने के बाद उनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब तीसरी श्रेणी आती है और तीसरी श्रेणी में आता है उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में जिनका मैं जिक्र कर रहा था, इन राज्यों में केवल उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर बीजेपी को कोई चिंता दिखती नहीं है, बहुत बड़ी चिंता बाकी प्रदेशों से मुकाबले में। इसके बाद भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अमित शाह के करीबी सुनील बंसल की भूमिका तय की है। इसीलिए सवाल ये जन्मता है कि क्या उत्तर प्रदेश की संभावित जीत में अमित शाह की टीम हिस्सेदारी चाहती है, क्योंकि अभी निकाय चुनाव के बाद यह कहा गया कि कर्नाटक में अमित शाह, जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा और बीजेपी हार गई, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ा और बीजेपी जीत गई। अब 2024 में बीजेपी चाहती है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से ज़्यादातर सीटें जीती जाए। बीजेपी का तो नारा है 80 में से 80, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विरोधी वोट, बीजेपी का जो विरोधी वोट है उसके पास कोई मजबूत विकल्प बन नहीं रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विरोधी वोट में बिखराव होता है, उससे यह लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अच्छा स्कोर कर सकती है, यह माना जा रहा है। इस तरह के जो विश्लेषण आ रहे हैं उनमें यह तस्वीर बनती हुई दिखती है। 2024 में यह स्कोर तय करेगा कि नंबर दो की पोजीशन के ज्यादा करीब कौन आने वाला है। क्या इसके लिए अभी से नंबर दो की पोजीशन के हकदार दोनों लोगों के बीच तैयारी शुरू हो गई है? सुनील बंसल ने उत्तर प्रदेश में कमाल का काम किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2014 के आम चुनाव में यूपी में 80 में से बीजेपी 71 सीटें जीती थी, और इसके बाद 2019 में भी बीजेपी ने बहुत अच्छी बढ़त पाई थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 2014 और 2019 जैसी स्थिति है नहीं। इसके बाद भी सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। आप एक बात पर गौर कीजिए, इसी जनवरी माह में इंडिया टुडे और सी वोटर ने एक सर्वे किया था। इसमें एक सवाल यह भी था कि अगर पीएम मोदी का उत्तराधिकारी बनाया जाए तो कौन सबसे उपयुक्त होगा। 26% लोगों ने अमित शाह और 25% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को पसंद किया था। यानी सर्वे में लड़ाई बहुत ही करीब की है, लेकिन एक सच और भी है जो अतीत से आता हुआ दिखता है। देश में 1947 से लेकर आज तक ऐसा कोई योग बना नहीं है
कोई उदाहरण सामने आया नहीं है जब जो कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री का साया रहा हो, राजनीतिक व्यक्तित्व हो, जो नंबर दो पर हो, उसे सत्ता मिली हो, वो प्रधानमंत्री बना हो। आप याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी के नंबर दो लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री नहीं बन सके थे। पंडित नेहरू के नंबर दो गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री नहीं बन सके थे, हालांकि उनका नाम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर जरूर याद किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय दिलाने वाले रक्षा मंत्री वाई वी चौहान प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। कुछ और भी नाम हो सकते हैं, वो याद किए जा सकते हैं। लेकिन मौजूदा समय में तो यह चर्चा बहुत हो रही है कि आखिर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल को क्यों भेज रहा है, भले ही एक महाअभियान की निगरानी के तौर पर ही क्यों नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में कोई चिंता दिख रही है? नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।